तो भैया फाइनली आपको इंडिया में सवामी रेडमी का फ़ोन नहीं मिलेगा। आप कितना भी ढूंढ लीजिएगा, सवामी और रेडमी का फ़ोन आपको इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन उसका रीज़न क्या है, वो कारण क्या है, और वो किस लिए हम लोगों को नहीं मिलेगा, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे और इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा बात कलम मना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करने लाइक लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पर मिल जाए। दोस्तों बात कर रहे थे सावमी रेडमी के बारे में। दोस्तों जैसे हम सभी को बताया कि सावमी रेडमी जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। हालांकि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये रेडमी का ही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, सावमी रेडमी 5 का फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ। और हालांकि मेरे ऐसे पता नहीं कितना सारा लोग है जो सावमी रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहा है। मतलब यार ये एक बजट फ़ोन है, यानी कि प्राइस के हिसाब से इसके फीचर्स भी कुछ कमाल का ही मिल जाता है, और हम लोग को मतलब ये सॉलिड मतलब लुभावना लगता है, यानी कि प्राइस के हिसाब से, उसका लुक के हिसाब से, उसके बाद इसका फीचर्स के हिसाब से भी। और अब बात कर लेते हैं कि ये सावमी रेडमी का फ़ोन इंडिया में क्यों नहीं आएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जैसे ओप्पो का सब ब्रांड है रियलमी, ठीक है, उसका जो हॉनर का सब ब्रांड है वावे, ठीक है, उसी तरह से सावमी का सब ब्रांड है रेडमी, ठीक है। ये रेडमी एक कोई ब्रांड नहीं था, ठीक है, लेकिन ये सावमी की ओर से इसे मतलब अपने में ऐड किया गया था रेडमी के नाम से, ठीक है। सेम टू सेम उसी तरह से मतलब हम लोग तो अभी यूज़ कर रहे हैं रियलमी के U1, रियलमी और बहुत सारा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रियलमी कोई ब्रांड नहीं था, लेकिन वो ओप्पो के सपोर्ट के द्वारा वो एक ब्रांड बना गया, उसे ओप्पो का सब ब्रांड कहा जाता है। तो रेडमी भी कुछ इस तरह से सावमी का सब ब्रांड है, ठीक है। तो भाई सावमी का जो मार्केट था पहले वो बिल्कुल डामाडोल था, ठीक है, यानी कि उसका फ़ोन मतलब बिक्री नहीं हो रहा था। लेकिन जब से उसमें उसके साथ रेडमी जुड़ गया है, ठीक है, तब से उसका फ़ोन मतलब अच्छा खासा मार्केट में चलने लगा। अब बात कर लेते हैं कि सावमी रेडमी का फ़ोन इंडिया में क्यों नहीं आएगा। तो इसका मेन रीज़न है कि सावमी जो है एक अलग ब्रांड हो गया, उसके बाद रेडमी जो है एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट ब्रांड हो गया, यानी कि पहले वो डिपेंड था सावमी के ऊपर, ठीक है। रेडमी पहले डिपेंडेंट था सावमी के ऊपर, लेकिन वो अब खुद इंडिपेंडेंट ब्रांड बनने वाला है, यानी कि सावमी का अलग ब्रांड हो जाएगा, उसके बाद रेडमी का जो फ़ोन है अलग ब्रांड हो जाएगा। तो ये फ़ोन लगभग जनवरी में एक फ़ोन लॉन्च करेगा जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। अब फ़ोन का नाम क्या होगा इसने मतलब उन्होंने ये खुलासा नहीं किया है, लेकिन वो फ़ोन बहुत ही जल्दी लॉन्च कर सिर्फ और सिर्फ रेडमी के नाम से, ठीक है। हम लोग अभी तक जितना फ़ोन यूज़ करते हुए आ रहे हैं वो सावमी रेडमी के नाम से आया, ठीक है। लेकिन अब जो फ़ोन लॉन्च करने वाला है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, ठीक है, ये फ़ोन का नाम सिर्फ रेडमी से ही होगा, और उसमें सावमी का नामो निशान उस पर नहीं होगा, ठीक है। तो मेन रीज़न यही है कि सावमी और रेडमी का फ़ोन इंडिया में नहीं है, क्योंकि सावमी अलग हो चुका है और रेडमी अलग हो चुका है। या तो आपको फ़ोन मिलेगा तो सिर्फ सावमी का ही मिलेगा, या फिर अगर आपको फ़ोन मिलेगा तो वो सिर्फ रेडमी का ही मिलेगा, लेकिन सावमी और रेडमी का फ़ोन आपको नहीं मिलेगा। तो यही था मेन रीज़न इसका अलग होने का और बताने का, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इस बात को शेयर कर लिया जाए। तो बस आज के वीडियो में इतना से, ऐसा करता कोई वीडियो थोड़ा पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।